दोस्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैं तोड़ दूंगा शोएब अख्तर का 160 किलोमीटर रफ्तार वाला रिकॉर्ड, उमरान ने इंटरव्यू में दे दिया बड़ा बयान। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि उमरान मलिक शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान करने वाले जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक पर अब दुनिया की निगाहें। उमरान मलिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में नजर आएंगे जहां वो अफ्रीका बल्लेबाजों पर कहर बरपाएंगे। उमरान मलिक ने IPL 2022 में 157 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तक की बॉलिंग की है और ऐसे में कहा जाने लगा है कि वह पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा का है। और अब वो खुद उमरान मलिक ने इस मुद्दे पर बात की है। उमरान मलिक का कहना है कि मेरा फोकस किसी रिकॉर्ड पर नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे एरिया में बॉलिंग करना चाहता हूँ ताकि अपने देश को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में जीत दिला सकूं। मैं लगातार 150 की स्पीड से बॉलिंग करना चाहता हूं और जहां तक मेरे शरीर साथ देता है। 22 साल के उमरान मलिक ने सनराइज हैदराबाद और जम्मू कश्मीर टीम में अपने साथी अब्दुल समद की तरफ से की। उमरान मलिक ने कहा कि अब्दुल ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया है, वो हमेशा कहते थे कि मैं धीरे बॉलिंग करता हूं, उसी वजह से मेरा फोकस तेज बॉलिंग करने पर हो गया। गौरतलब है कि उमरान मलिक IPL 2022 के सीजन में छा रहे हैं। उन्होंने कुल 14 मैचों में खेले हैं जिसमें 22 विकेट लिए हैं। खास बात यह रही कि इस सभी मैचों में उमरान का सबसे तेज बॉल फेंकने वाला अवार्ड मिला है। IPL में शानदार प्रदर्शन के दम पर ही उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह मिली है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है उमरान के बारे में, क्या वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका सीरीज में तोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।